हेलो एवरीवन, आप हैं मेरे साथ मैंडीज होम किचन में। आज की हमारी रेसिपी है हनी चिली पोटैटो। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। हनी चिली पोटैटो बनाने के लिए मैंने 4 मीडियम साइज के कच्चे आलू लिए हैं, जिन्हें कि मैंने छीलकर अच्छे से धो लिया है। इन्हें लंबा लंबा बिल्कुल वैसे ही काट लेंगे जैसे कि फ्रेंच फ्राइज के लिए आलू को काटा जाता है। सारे आलू कट करने के बाद हम इन्हें बॉईल करेंगे। आलूओं को बॉईल करने के लिए मैंने एक पैन में पानी लेकर इसे गैस पर चढ़ा दिया है। इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक और कटे हुए आलू। हमने जो नमक इसमें डाला है उससे ये आलू नमकीन हो जाएंगे और इनका फ्लेवर बहुत ही अच्छा हो जाएगा। जैसे ही पानी में बबल्स आ जाएंगे, हम फ्लेम को लो मीडियम कर देंगे और इन्हें 5 मिनट के लिए बॉईल करेंगे। 5 मिनट बाद हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और एक छन्ने की मदद से ये सारा पानी निकाल देंगे। आप देख सकते हैं कि ये आलू पूरी तरह से पके नहीं हैं और बिल्कुल भी मैशी नहीं हैं, और हमें बिल्कुल ऐसे ही आलू चाहिए। अब एक बर्तन में डालेंगे 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर, 1 टेबलस्पून मैदा। इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसका एक गाढ़ा घोल तैयार करेंगे। इसकी कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी होनी चाहिए। अब इस पर डालेंगे उबले हुए आलू। अब इन्हें अच्छे से हिलाएंगे ताकि इनके ऊपर कोटिंग बहुत ही अच्छे से हो जाए। आलू के ऊपर कोटिंग अच्छे से हो गई है और अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। आलू को फ्राई करने के लिए मैंने एक कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है और अब इसमें कोट किए हुए आलू डालेंगे। हम इन्हें मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। गोल्डन ब्राउन होने पर हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे। ये आलू बाहर से क्रंची और क्रिस्पी हैं और अंदर से सॉफ्ट और जूसी हैं। आप इन पर चाट मसाला डालकर टमाटो केचप के साथ फ्रेंच फ्राइज की तरह भी खा सकते हैं, पर हनी चिली पोटैटो बनाने के लिए हम इसे तड़का लगाएंगे। तड़का लगाने के लिए हम एक पैन में लेंगे 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल, 1 टेबलस्पून तिल के दाने, 1 कटी हुई शिमला मिर्च, 1 शिमला मिर्च को ज्यादा नहीं पकाएंगे, इसे थोड़ा क्रंची ही रखेंगे। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ लहसुन और 1 इंच अदरक का टुकड़ा जिसे कि मैंने ग्रेट कर लिया है। अब इन्हें थोड़ा सा पकाएंगे ताकि अदरक और लहसुन का कच्चापन निकल जाए। अब डालेंगे 3 टेबलस्पून टमाटो केचप, 1 टेबलस्पून
रेड चिली सॉस, आधा चम्मच नमक, एक चम्मच रेड चिली फ्लेक्स, एक चम्मच सोया सॉस, एक चम्मच विनेगर। इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे। और लास्ट में डालेंगे 2 टेबलस्पून हनी। इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें डालेंगे फ्राई किए हुए आलू। इन्हें अच्छे से हिलाएंगे ताकि आलू के ऊपर अच्छे से सॉसेज की कोटिंग हो जाए। हनी चिली पोटैटो बिल्कुल रेडी है और अब इन्हें सर्व करते हैं। हनी चिली पोटैटो। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली बार मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय।